दो प्यार करने वालों के बीच मजहब दीवार बनी तो उन्होंने चुपचाप जाकर मंदिर में शादी कर ली। फिर वापस आकर अपने अपने घर में पहले की तरह रहने लगे। इस बीच दोनों के घर वालों को उनकी शादी की जानकारी हुई तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। पंचायत बैठक और पुलिस चौकी हुई। दोनों के मजहब अलग थे इसलिए परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए। इस पर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे लड़की गुस्से में कथित पति के घर पहुंच गई और हाई वोल्टेज ड्रामा करा, फिर लड़के को साथ लेकर चली गई। ये सब कुछ लड़के की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोनों की प्यार की कीमत अपनी जान से चुका दी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बेटे के प्यार की कीमत जान से चुकाने वाली महिला का नाम नीलम देवी था। वह कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी गांव में अपने बेटे प्रियांशु, दिव्यांशु और मां के साथ रहती थी। बड़ा बेटा प्रियांशु फरीदपुर स्थित एक कॉलेज से बीफार्मा कर रहा है जबकि छोटा बेटा दिव्यांशु हाईस्कूल का छात्र है। टेलीडा हिंदी से दिव्यांशु ने फ़ोन पर बात करी तो उसने बताया कि भाई प्रियांशु की 4 साल से मोहल्ले में रहने वाली दूसरे समुदाय की लड़की से रिलेशनशिप थी। दोनों ने बीती 30 जनवरी को बदायूं के एक मंदिर में चुपचाप शादी कर ली मगर दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 20 फरवरी को घर वालों को उनकी शादी का पता चला। लड़की दूसरे समुदाय की है इसलिए मार शादी के लिए राजी नहीं हुई लेकिन लड़की शादी की जिद पर अड़ी रही। 2 दिन पहले लड़की के घर वालों ने उसके भाई की पुलिस से शिकायत कर दी। मंगलवार को लड़की और उसके घर वाले भी भाई को ढूंढने के लिए घर आए थे। दिव्यांशु का आरोप है कि लड़की ने उनकी मां को धमकाया कि उनकी शादी नहीं कराई तो वह प्रियांशु को मरवा देगी, फिर खुद चलती कार के आगे कूदकर जान देने की कोशिश करने लगी। इसके बाद जबरन प्रियांशु को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर के अंदर ही इतना सब कुछ हो गया कि दहशत में आकर मां ने सल्पास खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां रात करीब 12 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिव्यांशु ने लड़की और उसके घर वालों के खिलाफ तहरीर देने की बात कही है। देखिए घटना को लेकर दिव्यांशु ने क्या जानकारी दी। दिव्यांशु चौबारी थाना कैंट, ये लड़के के चक्कर में हुआ, ये माँ थी मेरी, ये मेरी माँ मना कर रही थी, वो मुसलमान थी और वो धमकी दे रही थी लड़की की मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूँगी। ये वो है तो इस चक्कर में वो लड़की जबरदस्ती लेके गई, वो ट्रक से मरने के लिए भाग गई रोड पे, फिर क्या वो लेके भाग गया। फिर सुबह शाम 4 बजे ही हुआ है। माँ का नाम नीलम देवी, वो सल्पास था कल शाम 4 बजे। पिताजी का नाम प्रवीण से, वो ऑटो ड्राइवर थे, वो 4 साल हो गए। मैं तो भाई रहती, मैं और मेरा भाई और नानी, वैसे हम 3 लोग हैं, नानी और साथ में 4 लोग रहते। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ हाई स्कूल, भाई डी फार्मा प्रियांशु का।